हेलो एवरीवन, मैं उमेश चौधरी S2S डिफेंस एकेडमी से। आज अपन मिलिट्री स्कूल सैनिक स्कूल की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के पे बात करने वाले हैं, जिसमें बहुत से स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि बच्चा किस स्टैंडर्ड में होना चाहिए, कौन सी क्लास में पढ़ रहा होना चाहिए या उसका एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए। तो देखिए, RMS और सैनिक के लिए बात करें तो RMS और सैनिक की एग्ज़ाम, RMS मीन्स हो गया राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल, इसकी एग्ज़ाम दो स्टैंडर्ड के लिए होती है, फॉर सिक्स स्टैंडर्ड, यानी वहां पर एडमिशन जो होगा वो सिक्स स्टैंडर्ड में होगा, और सेकेंड नाइन्थ स्टैंडर्ड, वहां पर एडमिशन बच्चे का नाइन्थ स्टैंडर्ड के लिए होगा। इसके लिए जो एज क्राइटेरिया है, इसके लिए जो एज क्राइटेरिया है वो ये है, फॉर सिक्स स्टैंडर्ड बच्चा 1 अप्रैल 2013 टू 31 मार्च 2015 के बीच होना चाहिए। ये मैं कौन से सेशन के लिए बात कर रहा हूं, मैं इस सेशन के लिए बात कर रहा हूं फॉर 2024-25, जो अभी सेशन चल रहा है 2024-25, इसके लिए बच्चा 1 अप्रैल 2013 टू 31 मार्च 2015 के बीच इसका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। इट मींस बच्चा 10 टू 12 इयर्स का होना चाहिए, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 10 टू 12 इयर्स का होना चाहिए। फॉर सिक्स स्टैंडर्ड बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 अप्रैल 2010 टू 31 मार्च 2012 के बीच होना चाहिए। इट मीन्स बच्चा 13 टू 15 इयर्स का होना चाहिए फॉर सेशन 2024-25। ओके, ये डेट ऑफ बर्थ है। सेकंड थिंग बात करें अपन कि बच्चा किस क्लास में होना चाहिए, किस स्टैंडर्ड में स्टडी करता हुआ होना चाहिए। तो फोर सिक्स स्टैंडर्ड बच्चे का एडमिशन सिक्स स्टैंडर्ड में होगा, सिक्स क्लास में होगा। तो बच्चा, बहुत से पेरेंट्स और पूछते हैं कि सर मेरा बच्चा फोर्थ स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, बट इस डेट ऑफ बर्थ में बच्चे का डेट ऑफ बर्थ इस एज क्राइटेरिया में आ रहा है, तो सर हम क्या करें, तो बच्चे का एडमिशन होगा या नहीं होगा? नहीं, वहां पर बच्चे का जंप नहीं होगा, फोर्थ स्टैंडर्ड से वहां पर मिलिट्री स्कूल सैनिक स्कूल में सिक्स स्टैंडर्ड में एडमिशन नहीं होगा। इट मीन्स बच्चा किस स्टैंडर्ड में पढ़ रहा होना चाहिए, या तो रनिंग में फिफ्थ में पढ़ रहा हो, इस सेशन में फिफ्थ स्टैंडर्ड में पढ़ रहा हो, या बच्चा सिक्स स्टैंडर्ड में हो, तो एक साल बच्चे को बैक किया जा सकता है, जंप नहीं होगा, जंप नहीं होगा। तो इट मीन्स बच्चा फिफ्थ या सिक्स स्टैंडर्ड में, फिफ्थ या फिफ्थ से ऊपर किसी भी स्टैंडर्ड में हो, बच्चा पढ़ रहा होना चाहिए, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ इस एज ग्रुप में आना चाहिए। सेकेंड, अगर बात करें फोर सिक्स स्टैंडर्ड, बच्चा सेवंथ स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, इस एज क्राइटेरिया में आ रहा है, 1 अप्रैल 2010 टू 12 के बीच आ रहा है, सेवंथ स्टैंडर्ड में है, बच्चे का एडमिशन होगा या नहीं होगा? नहीं। बच्चा किस स्टैंडर्ड में होना चाहिए? बच्चा एट्थ स्टैंडर्ड में रनिंग में पढ़ रहा हो, या एट्थ से ऊपर नाइन टेंथ स्टैंडर्ड में हो, तो बैक किया जा सकता है, बच्चा बैक किया जा सकता है, जंप नहीं होगा। तो ध्यान रखें, बच्चा एट्थ या नाइन्थ स्टैंडर्ड में हो, इस एज क्राइटेरिया में आना चाहिए। इसके बीच का जो डेट ऑफ बर्थ है, इनके बीच का जो डेट ऑफ बर्थ है, जिसमें 11 एंड हाफ टू 13 इयर्स के बीच का जो क्राइटेरिया होता है, एज क्राइटेरिया होता है, ये होता है RIMC देहरादून के लिए, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून के लिए बच्चे का डेट ऑफ बर्थ इस सेशन के लिए 2024-25 के लिए 11 एंड हाफ टू 13 इयर्स के बीच होना चाहिए। इस टाइप की इंफॉर्मेशन के लिए RMS, सैनिक, RMC, नवोदय, इनसे रिलेटेड ऑल इंफॉर्मेशन के लिए आप हमसे कनेक्ट रहें, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियोज को लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद।